नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम टीवी। मैं हूं राकेश छत्री। उपचुनाव का दौर है, रतन भाजपा प्रत्याशी रतन पर मतदान केंद्र का मतदान करने के लिए मतदान केंद्र में पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें डुमहर से, जहां से भाजपा प्रत्याशी रतन पर पहुंच चुके हैं मतदान करने के लिए। हाँ जी, बढ़िया। आप सुना डरमेट में थे महाराज, खा पी के पोतते पर नंबर आ रहा है। क्या नंबर है? बोला दे सकता नंबर, मैं लाइव चलाया था। अरे बस पूछ रहा है जी, पत्रकारों तैयार की थी आप करो गई से पता देखो किसी का इन्हें ना मुझे नहीं होगा। ठीक है, पर बीचे ते भी खींच ली जाएगी। जाने की लगी सर कितनी देर बोलना जी।
सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं कोविड महामारी अभी तो बंद है ले हां मेरी भी तो लगाओ किडम पर कुछ लाइव हाँ मैंने ले ली थी जैसे अंदर गए थे ना बस थोड़ी लाइव वैसे बढ़ते लाइव हुई है भाई और ये लोग अरे कुछ आप इसकी में आएंगे आप आ रहे हैं आप जाओ मैं फिर से ना क्या बोला तीसरा भी मिलो नहीं तीसरा असं बिलो नहीं होंगे नहीं मैं क्या इत बच्चे होगा इतनी होगी वोट है पहले भेजे जाओ इधर मैं क्या जो टक बोलो ठीक लाइव नहीं आओ अरे पंजाब केसरी है अच्छा पंजाब केसरी कितना मतदान हो रहा है दादिया भी पूछना दो वार्ड दो या तीन वार्ड रतन सिंह पाल अपना मतदान कर वापस आ चुके हैं और हम और भाजपा प्रत्याशी रतन सिंह पाल जी अपना मतदान करके वापस लौट चुके हैं और हमारे से बात कर चर्चा करने के लिए पंजाब की टीवी में आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद भाई साहब एक महीने की जो आपकी मेहनत है आज उसकी परीक्षा है पुलिस परीक्षा पुलिस लेकर आपकी क्या उम्मीद है एक महीने से नहीं मैं 7 साल से विधानसभा क्षेत्र में 2017 में उसके बाद करते हुए और साथ में ही लोगों की समस्याओं को सुनते हुए और सरकार से पूरे 4 साल यहाँ पर जनता के बीच में रहा और उसके बाद जिस प्रकार से यहाँ ये चुनाव आया स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी रहते हुए भी रहते चुनाव 2022 में होना था लेकिन 2021 में चुनाव हुआ है चुनाव 2017 में भी अभी की जनता ने कार्यकर्ताओं ने जनता पार्टी ने लड़ा था और आज 2021 में भी आपने आश्वस्त की बात कही क्योंकि ये लोकतंत्र का एक पर्व है और इस पर्व पे विकास के नाम पर और
जो अभी 2017 से लेकर 21 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, उस काम पे जनता ने मोहर लगाई है। जो 4 साल में विकास हुआ है, अथा विकास एक साल उससे दो गुना काम करने के लिए, विकास के लिए वोट लगे। देखने में आया है कि पोलिंग बूथों की अगर 154 पोलिंग बूथों में आज मतदान हो रहा है और जो सूचना आ रही है कि लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो इससे क्या उम्मीद है जनता? विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता अपना आशीर्वाद भी मुझे प्रदान कर रही है, जगह जगह से फोन आ रहे हैं। जिस प्रकार से हम 4 साल से लगातार जनता के बीच में रहे और आज सुबह से ही, और जिस प्रकार से ये 20 दिन का अभियान था चुनाव का, लगातार 20 दिन हम लोगों के बीच में गए हैं और लोगों का जो प्यार स्नेह मिला है, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे पूर्ण आशीर्वाद मिल रहा है और मिला है। आप मतदाताओं से आज के मौके पर क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा समस्त अर्की विधानसभा क्षेत्र की समस्त जागरूक मेरे बुद्धिजीवी, मेरे बुजुर्ग माता बहने, सभी से आग्रह करता हूँ कि आप आज अपने वोट का इस्तेमाल करके मुझे कामयाब बनाए। और जिस प्रकार से मैं कहता हूँ कि बुजुर्गों के और मेरे जो अर्की विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता को फ़ोन पर बातचीत हो रही है, फ़ोन आ रहे हैं, उससे लगता है कि ये सभी लोग लाइनों में सुबह से खड़े हुए 7 बजे से अपना वोट का जो मत, अपना मत का जो अधिकार है उसको आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। मैं अपील भी करता हूँ कि आप सब अपने मत का प्रयोग जरूर करें, जरूर वोट डालें।